नमस्ते फ्रेंड्स, जैन विजय अकेडमी में आपका स्वागत है। प्रोग्रामिंग की सीरीज के अंदर हम सीएनसी वीएमसी तक आ चुके हैं और वीएमसी के आज हम टॉपिक 6 तक पहुंच चुके हैं। टॉपिक 6 के अंदर आपको ड्रिलिंग के बारे में बताया जाएगा। ड्रिलिंग का प्रोग्राम जो है वो G01 और G00 के साथ कैसे बनाया जाता है वो चीज। तो ये जो प्रोग्राम है ये 2D प्रोग्राम है, तो 2D प्रोग्राम जो होता है उसको आप पेपर वर्क पे कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर कैरेट साइकिल यूज करते हैं G81, G83 और G82, इस तरह के जो कोड होते हैं ये लगा के हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो सर इजी, काफ़ी इजी प्रोग्राम बनता है। बिल्कुल, वो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा और आपको लग जाएगा कि वो किस तरह से इन दोनों से डिफरेंट है, क्या है ये चीज़। कहीं ना कहीं इंटरव्यू के अंदर भी उनसे ये चीज़ पूछी गई कि जो प्रोग्राम होता है हमारा वो कैरेट साइकिल में काफ़ी फास्ट बनता है, इसमें काफ़ी सोलो बनता है, तो हम कैरेट साइकिल यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्या है वो। या 2D प्रोग्राम और 3D प्रोग्राम की बात करते हैं, 2D प्रोग्राम जो होता है इसमें काफ़ी टाइम लगता है, कोऑर्डिनेट खुद निकालने पड़ते हैं, जबकि 3D के अंदर पेन ड्राइव में लगे हम इजीली से प्रोग्राम सॉफ्टवेयर से जनरेट करके और उसमें मशीन में अप्लाई करके चला सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी पार्ट होते हैं या जहाँ पे हमको ज़्यादा मशीनिंग करनी है, ज़्यादा मशीनिंग के लिए अगर हम 2D प्रोग्राम का यूज़ करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है वो। इसीलिए क्या है कि हम जो है वो 3D प्रोग्रामिंग का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो कहीं पे अगर कॉम्प्लेक्सी पार्ट बना भी है तो और वहाँ पे 2D प्रोग्राम यूज़ हो रहा है, लेकिन उसका ये होता है कि वो लोग जो होते हैं उस कंपनी में जो पार्ट है वो एक ही पार्ट कई महीनों तक चलता है, वो प्रोग्राम सेव करके रख देते हैं और उसी प्रोग्राम को बना के चलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम बनाना जो होता है, सॉफ्टवेयर में आपके लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, तो क्रेक वगैरह, तो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। जो इजी वे में अगर आप प्रोग्राम बनाए तो 2D के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 2D के अंदर इजीली प्रोग्राम बन जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है आपको बताई, क्योंकि सबसे 2D प्रोग्राम की सीरीज के अंदर सबसे पहले जो वीडियो है वो मैं मैनुअल लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद जो आएगी वो कैरेट साइकिल के बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये जो वीडियो है मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या किया हुआ है मैंने कि मैंने एक जॉब लिया हुआ है, यहाँ पे ये जॉब है और ये जॉब क्या फ्लैट जॉब है, ये वर्कपीस है, एक ये जॉब है। जॉब का साइज जो है यहाँ पे ये है 100 × 100 × 20, 100 जो होगी ये हुई इसकी लंबाई, 100 ये है 100.0, ये जो हो गया ये हुई इसकी थिकनेस, ये हुई थिकनेस इसकी, यानी जो प्लेट है कितनी मोटी है। अभी हम प्लेट का जो है वो टॉप व्यू देख रहे हैं, सॉरी फ्रंट से देख रहे हैं उसको, फ्रंट से। इसको अगर बॉटम से हम देखेंगे तो कैसी दिखेगी, इसकी थिकनेस नजर आएगी। अभी इसकी थिकनेस आपको नजर नहीं आ रही है, बट आप नीचे से आप इसको देखोगे तो नीचे से इसकी कहीं ना कहीं थिकनेस है। तो ये जो थिकनेस इसकी, यही थिकनेस आपकी 20 mm है। और ये जो होता है ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये हमारा अगर लेफ्ट और ये हो गया राइट। इसी पे हमको होल करना है। तो होल करने के लिए क्या है कि यहाँ पे मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। जैसे कि हम जो ड्रिल यूज करेंगे, ड्रिल का डाया हम लेंगे, ड्रिल डाया हम लेंगे 8 mm का, 8 mm का हमारा ड्रिल हो गया। जो डेप्थ हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 20 mm, 10 mm कर देता हूँ उसको, 10 mm हमारी डेप्थ हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमको होल बनाना है। नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, नंबर ऑफ होल्स हमारे हैं 4, 4 हमारे होल है, 4 होल हमको बनाने हैं। इसको मैं देता हूँ A, इसको B, इसको C, इसको D। यहाँ मैं कुछ डायमेंशन देता हूँ, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, ये हमारा 20, ये है हमारा 70। काफ़ी बेस से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। और यहाँ से यहाँ तक की जो मैं वैल्यू लेता हूँ, ये टोटल 100 है, वैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की देता हूँ, और यहाँ पे इसको कर दिया मैंने 10। सो फ्रेंड्स, इस जॉब पे मैंने डायमेंशन दे दिए है, जितने भी होल हैं तो होल कितने दूरी पे हैं वो सारा हमने दे दिया। इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो चीज, तो हम ड्रिल हमारे पास 8 का है, डेप्थ हमको 10 mm है और हमको 4 होल करने हैं।
साइज को रफ कर देता हूं। सबसे पहले इसके कोडेंट निकालेंगे, कोडेंट निकालने का सेम वही मेथड है जो मैंने पहले आपको बताया था। ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये एक्स और ये वाई। जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो हम एब्सोल्यूट प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि आपको एक प्रोग्राम में बता देता हूं तो नेक्स्ट वाला आप इजीली सेम वैसे ही बनेगा इसमें। सो यहां पे ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी। यहां पे मैं प्लेन लगा देता हूं, ये हमारे इसको लाइन पे से करके ये एक्स प्लस हो गया, यहां पे हो गया एक्स माइनस, ऊपर हो गया एक्स प्लस सॉरी वाई प्लस, नीचे हो गया हमारे वाई माइनस। जो सीएनसी मशीन में होता है वहां पे एक्सिस होती है जेड प्लस जेड माइनस, एक्स प्लस एक्स माइनस, बट इसके अंदर जो हमारी जो हमारा जो प्लेन बनता है वो दो एक्सिस में बनता है, एक्स में और वाई में। तो इधर होगा एक्स, ये वाली जो एक्सिस होगी हमारी हॉरिजॉन्टल वाली होगी एक्स, और जो ये वाली होगी जो हमारी वर्टिकल है वो ये हमारी वाई। ऊपर है वाई प्लस, नीचे वाई माइनस, नीचे एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स माइनस। तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों कंसिस्ट करती जहां कटती है वहां पे पॉइंट बनता है, उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पे इस वर्कपीस का ओरिजिन पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट रख के तो प्रोग्राम बनाना काफी इजी होता है, अगर ओरिजिन पॉइंट अगर हम यहाँ पे रखें तो हम किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे वो चीज, अगर ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे रखें तो कैसे प्रोग्राम, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने जो ओरिजिन पॉइंट लिया वो कोने पे लिया हुआ यहीं पे। सो अब आपको पता है कि एब्सोल्यूट प्रोग्राम के अंदर हम कोई भी चीज करते हैं तो एब्सोल्यूट प्रोग्राम में हम देखते हैं G90, इसके लिए कोड लगाते हैं G90 और हम देखते हैं ओरिजिन पॉइंट को, हम ओरिजिन पॉइंट को देखते हैं कि कोई भी पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, ये कितनी पे है, ये कितनी पे है, ये कितनी पे, और ठीक इसी तरह से वाई भी कितनी पे, ये कितनी पे। सो इसी के अंदर हम देखेंगे डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट हमारा कितनी दूर है। सो हम देखते हैं आगे, यहाँ पे ए पॉइंट जो होता है हमारा, ए पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ एक्स एक्सिस में आपको ये देखना है हॉरिजॉन्टल, और वाई में आप देखेंगे ये वाला, काफी इजी तरीके से आपको बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा सारा ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए पॉइंट की, ओरिजिन पॉइंट से ए पॉइंट कितनी दूरी पे है, तो ए पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे, लेकिन देखना हमको एक्स में। तो एक्स में देखो ये वो ए पॉइंट है, ये है, यहाँ से देखो दूरी कितनी है, ये हमारा हो गया 20, टोटल 20। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20, इजीली आपको दिख रहा है यहां से ओरिजिन से कितनी दूरी पे है। देखो सेम दूरी पे ए भी 20 पे है तो सी भी कितने पे है, 20 पे। तो यहां पे सी भी हम दे देते हैं 20। ओके गाइस, सो हमारा बी पॉइंट कितनी दूरी पे है, ये 20 और ये 70, टोटल ओरिजिन पॉइंट से टोटल कितना है, यहां देखो आप यहां से कितनी दूरी है 20 है और ये 70, तो 20-70 टोटल हो गया हमारा 90। सो हमारा जो बी पॉइंट है 90 है, काफी इजी है ये 90। अब अगर ये 90 तो ये भी तो 90 हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस में देखूं तो ये हमारा 90 हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया 90। अब बात करते हैं वाई की, वाई कितनी दूरी पे, y में आपको देखना है ये ऐसी एक्सिस, अब आपको ये वाली नहीं देखनी है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इसको मैं मिटाई देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया वैसे। y का देखते हैं, y के अंदर आपको देखना है ऐसे, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट, ये देखो कितनी दूरी पे है टोटल यहाँ से, ये जो लाइन है ये वाली, यहाँ से देखो आप फिक्स 50 और ये हो गया हमारा 10, 50 और 10 टोटल कितना हो गया, यहाँ पे वर्कपीस जो हमने एक्स की एक्सिस जो है काफी इजी तरीके से निकाली हमने। अब हम वाई की बात करते हैं, वाई में क्या है हमारे, वाई में जो हमारा ए पॉइंट है यहाँ पे ये 50 हो गया और ये हो गया 10, तो 50 और 10 टोटल हमारा हो गया 60, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से ए पॉइंट हमारा 60 mm दूरी पे है। अब बी की बात करते हैं तो बी भी हमारा कितनी दूरी पे होगा, 60 mm की दूरी। अब हम सी पॉइंट की बात करते हैं, सी पॉइंट में देखो कितना है, यहां से यहां तक ये हो गया 10 और ये डी पे भी हो गया 10, तो ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया,
तो गाइस सबसे इजी था ये कोऑर्डिनेट निकालना। इस कोऑर्डिनेट के थ्रू हमको प्रोग्राम बनाना है, मैनुअली प्रोग्राम हम इसके अंदर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे ये चीज, तो सबसे पहले हेडर में हमने जो प्रोग्राम है वो 6 नंबर में डाला हुआ, सीक्वेंस नंबर हमारा कैंसिलेशन कमांड होगी होम पोर्शन के लिए, टूल चेंज के लिए। यहाँ पे P1 L2 एक ही हमने वर्कपीस पे निकाले हुए सारे, ये सारे होल एक ही वर्कपीस पे करना है। सो यहाँ पे हमने ले लिया है, कैसे पिछले वाली वीडियो में मैंने पूरी इसी के ऊपर बनाई काफ़ी अच्छी। सो आप इसको एक बार और आप देखिए पहले किस तरह से है। इसके बाद यहाँ पे जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना है वो चीज, सबसे पहले टूल होम पोजिशन से जब कटिंग करने के लिए आता है तब वो टूल काफ़ी फास्ट आता है, काफ़ी स्पीड में आता है। तो स्पीड में आएगा तो क्या है कि हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे तो वो टकरा जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको प्लस में रोकते हैं बजाय माइनस के। अगर माइनस में हम जाएंगे तो टूल हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे हमारा वर्कपीस ये है, तो इस वर्कपीस पे मैं होल कर रहा हूँ, तो ये पूरी सरफेस मेरे लिए जीरो है। यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 mm ऊपर उठाता हूँ प्लस में, ये प्लस में 10, प्लस में 15, प्लस में 20। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया है, अब हम इसका कोऑर्डिनेट बेस पर प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले टूल जो होता हमारा वो हम प्लस में रोकेंगे, तो प्लस में रोकने के लिए हमको टूल को सबसे पहले हमको जॉब को जो है वो लाना पड़ेगा G00X। यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या है एक्स और वाई, ये 20 हो गया और वाई हो गया हमारे 16। अब टूल टकराए ना इसलिए हम कहाँ पे रुके, तो आप यहाँ पे रुकोगे प्लस के अंदर, तो प्लस के अंदर आप रुकोगे तो यहाँ आप दे दोगे 5.0। ये प्लस में इसलिए टूल हमारा अभी ऊपर है। अब यहाँ से हम इन करना है, इन करेंगे, तो इन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा इन करेंगे तो अगर G00 रखूंगा तो काफी स्पीड में आया तो टूल टूट सकता है, इसीलिए मैं लगाऊंगा G00 और इसी के अंदर हमको इन करना है ए पॉइंट पे, हमको होल पे करना है, तो कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। तो सेम वैल्यू आती है उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मशीन रीड कर लेती है उस चीज को, तो जो चीज रिपीट हो रही है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रही उसको लिखना है। तो हमको जाना है जेड, माइनस कितना जाना था 10 mm, 10 mm अंदर गया। यहाँ पे फीट दे दो, मैं यहाँ पे 60 की फीट दे रहा हूँ, ये मैंने फीट दे दी। फीड कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया, एक मेरी वीडियो मैंने बना रखी फीड एमएम पर मिनट वाली, तो उसमें आप देखिए ड्रिल की फीड कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और टेप की फीड कैसे निकालती है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे टूल हमारा इन कर गया, यहाँ से हमको अप करना है वापिस, तो G00Z प्लस में वापिस ले लो आप 5, तो 5 mm वापिस टूल अप हो गया। तो यहाँ पे टूल ने पोजीशन ली, इन हुआ वापिस बैक, अब ये G0 में, तो अभी मेटल नहीं है तो आप G00 में पोजीशन दे सकते हो, तो G00 पोजीशन का देनी है 90 और 60 पे, तो यहाँ पे आप कर दो 90 और 60, ये ही टूल यहाँ पे आ गया, सेम इन गया और यहाँ से बैक। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से वापिस सी पे जाना, तो सी के 20 10, तो यहाँ पे आप कर दो 20 और यहाँ पे 10। केवल कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ही आप चेंज करते रहो और हमारी प्रोफाइल बनती जाएगी। सो इसी तरह से आपको प्रोग्राम बनाना है, जो 2D प्रोग्राम है ड्रिलिंग का, G01 G00 G01 के साथ में, वो इसी तरह से बनेगा। और आप जो है वो इस वीडियो को अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े, ताकि क्या है कि आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाली है वो पूरी हमारी जो होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड करके प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उसके थ्रू होगी। सो यहाँ पे हेडर जो है वो सेम है, फुटर मैंने सेम रखा हुआ है, यहाँ पे बस जो प्रोग्राम है वो मैंने कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसको बना दिया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे अगर कोई इसमें क्वारी हो तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी आप कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।